नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएं कि लिस्टर की ठोकर एडजस्टिंग कैसे करें जिससे स्टार्टिंग माइलेज और अच्छा लोड ले। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। अब देखिए, मैंने ठोकर डाली है। देखिए अभी ठोकर अपना बैलेंस नहीं बता रही है। इसको बैलेंस इसका ठोकर का बढ़ा लीजिए। ये देखिए पंप जब उकसने लगे, ऊपर की तरह चलने लगे, उसी पे आपको देख लीजिए फ्यूल, ये फ्यूल ठोकर नीचे से फ्यूल कैम पे ना हो अटकी। इतना आपको 1 mm आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये भी हम आपको बता दें कि नए इंजन में इतनी ठोकर नहीं चलेगी, ये पुराना ही इंजन है तभी इसमें चलेगी। नए इंजन में इससे कम ही ठोकर एडजस्ट की जाती है और पुराने में थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा ओल्ड है अगर तो। सिस्टम के अनुसार जो नया पुराने के हिसाब से थोड़ा 19-20 का अंतर रहता है। तो मैंने इतना ही मैं फिट कर रहा हूँ। देखिए कितना लेवल बता रही है और थोड़ा कम कर रहे हैं। 1 mm के आप आसपास आपका स्पेस होना चाहिए इसके बीच में, तभी आप अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएगी आपकी पंप। इतना ही आपको सेट करना है, इतने पे ही आपको ठोकर जाम कर देनी है आपको ऐसे ही सीधा। देखिए इतने पे ही मैं इसे जाम कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब इतने पे ऐसे ही डाल के अब देखिए, देखिए उतना ही 1 mm का स्पेस आपका यहाँ पे है। 1 mm से ज़्यादा ही होगा, थोड़ा कम नहीं है। अब देख सकते हैं, अब इसका ठोकर का रिंच अपनी एक चाबी से, 21 नंबर चाबी से इसका चकनेट टाइट कर दीजिए। ये 21 नंबर चाबी है, इसे इस ठोकर का चकनेट जाम कर दीजिए ताकि ठोकर ऊपर या नीचे की तरफ न चले। अपनी ता अपने आप से न खुले, इतना आपको टाइट करना है। तो ये आपका ठोकर फिट हो चुका है। तो चलो इसे टाइट करते हैं। लेवल आप देख सकते हैं कितना मैचिंग हो रहा है। तो लो टाइट करके फिर आपका तेल उठा के दिखाते हैं। तो मैंने ये एडजस्ट हो गया है हमारा, देखिए तेल कितना अच्छा उठा रहा है। ये आपका ये बढ़िया तेल आपका ठोकर मार रहा है। तो चलो स्टार्टिंग करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या कैसा का परफॉर्मेंस कर रहा है। ये आपका ठोकर का एडजस्टिंग आपका सही बैठा है इस जगह पे सटीक। तो चलो लोड चेक करके देखते हैं कैसा क्या लोड ले रहा है। तो आप देखिए मैं पहले व्हील में लगा रहा हूँ, व्हील पे कितना दाब ले रहा है, फिर उसके बाद में आपको पुली पे मैं दाब लगा के दिखाता हूँ। जितना आप चाहें जितना लोड धरे रख लीजिए, आपका इंजन धुआं नहीं मारेगा। अब चलो पुली पे दाब लगा के देखते हैं कितना है। पुली पे फिलहाल कम दबेगा, व्हील में आप लोड लगाओगे तो ज़्यादा दबेगा। देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।